हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जॉन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइज, हम लोग आज बात करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आज आपको मिलने वाला है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा हो। यहाँ पर 600 प्लस की सीरीज चल रही है, जैसा कि आप सभी लोग को पता है गाइज, तो 600 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए, ताकि एग्जाम में आप सभी अच्छे से क्वेश्चन सारे सॉल्व करके आओ, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद है। तो पहली बार मेरे चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो इस क्लासेस की, तो PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो PDF वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ आप सोशल मीडिया पर हम लोग को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और साथ ही साथ आप फेसबुक को भी हम लोग को पेज पर फॉलो कर सकते हो। आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या आज की कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ चुका है गाइस, व्हाई रैम इज सो कॉल्ड। ऑप्शन ए बिकॉज इट इज रीड एंड राइट मेमोरी, एंड ऑप्शन बी बिकॉज इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, एंड ऑप्शन सी बिकॉज इट कैन बी सेलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी लोकेशन ऑफ चिप, एंड ऑप्शन डी इज बिकॉज इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ चुका है गाइज, तो राइट ऑप्शन बताना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, वाई रैम इज सो कॉल्ड, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है इस क्वेश्चन का। तो आपको यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको ऑप्शन सी याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, सेकेंडरी स्टोरेज ए इज डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर, एंड ऑप्शन बी डज नॉट मैग्नेटिक मीडिया, एंड ऑप्शन सी कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ डिवाइस, एंड ऑप्शन डी डज नॉट स्टोर्ड इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्रीवल्स। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है। ठीक है, रिट्रीवल राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। ठीक है, ए ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, वेयर डू यू सेव द डाटा डैट योर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन वेन द कंप्यूटर इज टर्न इट ऑफ। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन दिया गया रैम, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, एंड ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, एंड ऑप्शन डी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। सो विच वन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा गाइस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंसेंट्रिक सर्कल ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, और क्वेश्चन आप एक बार मैं फिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, द कंसेंट्रिक सर्कल ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइड इनटू। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है, ऑप्शन ए ट्रैक्स, ऑप्शन बी अ सेक्टर्स, एंड ऑप्शन सी अ सिलेंडर्स, एंड ऑप्शन डी अ सर्कल्स। तो आपको यहां पर राइट ऑप्शन बताना है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको जो याद रखना है यहां पर, ऑप्शन नंबर आपको यहां पर याद रखना है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 4 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, सेक्टर्स इज द राइट ऑप्शन। नाउ लो मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने, द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज टीवी, ऑप्शन बी स्टोर हाउस, ऑप्शन सी डिस्क, एंड ऑप्शन डिस्क यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव, डेस्क और ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव। ठीक है, टीवी स्टोरेज हाउस डेस्क ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव। सो कौन सा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यहाँ पर हार्ड ड्राइव जो होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर वोलेटाइल डाटा एंड बी इज अ नॉन वोलेटाइल डाटा एंड ऑप्शन सी इज अ परमानेंट डाटा एंड ऑप्शन डी इज टेम्पररी डाटा, सो विच वन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपको याद रखना है, परमानेंट डाटा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको यहाँ पर क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज फाइल्स, ऑप्शन बी हेड्स एंड फोल्डर्स, ऑप्शन सी ट्रैक्स एंड सेक्टर्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर सेवन का। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का यहाँ पर हो जाएगा ट्रैक्स एंड सेक्शन, यहाँ पर सेक्टर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ट्रैक्स एंड सेक्टर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेवन का सी हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एट है आप सभी के सामने, द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज द फ्लॉपी डिस्क एंड ऑप्शन बी यूज अ पर्सनल कंप्यूटर एंड ऑप्शन सी मेन फ्रेम एंड ऑप्शन डी ए लैपटॉप। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर एट का यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर एट का यहाँ पर ऑप्शन हो गया ए इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑप्शन टाइप करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। विच एमोंग द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ फोर बाइट्स, ऑप्शन ए नेबल एंड ऑप्शन बी बाइट एंड ऑप्शन सी किलो बाइट एंड ऑप्शन डी मेगा बाइट, सो विच वन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर टेन आप सभी के सामने आ चुका है गाइज, यहाँ पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज, ऑप्शन ए टेट्राबाइट, ऑप्शन सी गीगाबाइट एंड ऑप्शन सॉरी ऑप्शन ए टेराबाइट एंड ऑप्शन बी गीगाबाइट एंड ऑप्शन सी किलोबाइट एंड ऑप्शन डी इज बाइट, सो विच वन इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर टेन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो गया, ठीक है गाइज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ये वीडियो जो है आप सभी को पसंद आया, क्वेश्चंस भी आज की आपको पसंद आया हो, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद स्मार्टी फॉर स्मार्ट एजुकेशन।